नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनिया शर्मा। वक्त हो चला है खबरों का, तो आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट के अनुसार ससवाली बाढ़ पीड़ित बस्तियों में पेयजल आपूर्ति नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा टैंकरों से जलापूर्ति करवाई जा रही है। संवाददाता राजेश खुईवाल की रिपोर्ट के अनुसार बूंदी राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव बड़े रोमांचक हुए, जहां एक तरफ अध्यक्ष पद के लिए NSUI और ग्रामीण छात्र संघ संगठन के संयुक्त की तरफ से प्रत्याशी मनचेती मीणा को 49 वोट मिले, वहीं ABVP के उमेश नागर को 48। संवाददाता राजेश खुईवाल की रिपोर्ट के अनुसार बूंदी में संयुक्त व्यापार महासंघ बूंदी का वार्षिक मिलन समारोह हुआ संपन्न। संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट के अनुसार बारा में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर जिला भाजपा की बैठक संपन्न। संवाददाता उदय सिंह यादव की रिपोर्ट के अनुसार शाहबाद राजकीय महाविद्यालय कॉलेज में NSUI का पूरा पैनल विजयी रहा। अध्यक्ष पद पर NSUI बिरजू सहरिया ने बाजी मारी। संवाददाता अनिल प्रताप सिंह की रिपोर्ट के अनुसार फरीदुआ राजकीय महाविद्यालय केलवाड़ा में छात्र संघ चुनाव में NSUI के प्रत्याशी रहे सिद्धार्थ शर्मा। संवाददाता महावीर मुरली की रिपोर्ट के अनुसार मांगरोल कॉलेज में ABVP का पूरा पैनल विजयी रहा। अध्यक्ष पद पर ABVP राजेश गुर्जर ने बाजी मारी। संवाददाता अशफाक खान की रिपोर्ट के अनुसार अंतर छात्र संघ अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव संयुक्त सचिव के परिणाम घोषित। संवाददाता इंसाफ अली की रिपोर्ट के अनुसार छिपाबड़ोद कस्बे में संचालित श्री प्रेम सिंघवी राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में ABVP के प्रत्याशी रहे हेमंत मीणा 123 मतों से विजयी रहे। संवाददाता अमित अग्रवाल की रिपोर्ट के अनुसार झालावाड़ राजकीय महाविद्यालय चोमहला में ABVP ने मारी बाजी। 3 पदों पर ABVP व 1 पद पर NSUI रही। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए देश हित की बात मातृभूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।